दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए तुषार एडिटिंग चैनल को और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जब भी मैं कोई लेटेस्ट एडिटिंग वीडियो डालूं आप देखें सबसे पहले। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो को कुछ ऐसे एडिटिंग करेंगे और कुछ इस टाइप से एडिटिंग करने वाले हैं। और इस टाइप की एडिटिंग के लिए आपको कुछ ऐसे पोज देकर फ़ोटो उठाना होगा और वहाँ से आपको फ़ोटो को शेयर कर देना होगा पिकचार्ट में। पिकचार्ट में आने के बाद आपको यूज़ करना है कटआउट ऑप्शन को, क्योंकि ये एक DSLR पिक है, कटआउट ऑप्शन अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको यूज़ करना है कटआउट को और लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ से अच्छे से लाइन ड्रॉ करके कटआउट करनी होगी आपको, और बहुत ही अच्छे से कटआउट कर लीजिएगा और कटआउट को बहुत ही ध्यान से कटआउट कर लीजिएगा। और यहाँ से पिकचार्ट का काम है इस लोडिंग करके वो अपने आप कटआउट करता है, ठीक है। कुछ इस तरह से बनाए है, आपको थोड़ी सी यहाँ से जो भी पार्ट रह गया होगा उसे लाना होगा, कुछ इस तरह से ब्रश मार के ब्रश आइकन के क्लिक करके लाना होगा और आइस पर क्लिक करके देख सकते हो कि आपकी कटआउट कैसी हुई है, ठीक है। और इस वाले कटआउट में कर लेता हूँ, और इस जगह भी मुझे नहीं चाहिए ये रेड वाला कलर, मैं उसे रिमूव कर देता हूँ और बहुत ही अच्छे से कटआउट कर लेता हूँ। आप सब अच्छे से कटआउट कर लीजिएगा और इस टाइप से कुछ लगेगी। और बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लीजिएगा डेसेशन से, और डेसेशन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐड करना होगा आपने जो कटआउट करके रखा होगा फोटो को, उसे ऐड कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद आपको फोटो को इस तरह से सेट करना है, जैसे कि आप कार में इस तरह से पोज देकर फोटो उठाए हो और कुछ इस तरह से बनाया है हमने, कुछ इस तरह से एडिटिंग होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। जो भी पार्ट में यहाँ से छूट गया है मैं ले आता हूँ, यहाँ से इरेजिंग कर लेता हूँ, जो भी पार्ट नहीं चाहिए मुझे ऐसे में इरेजिंग कर सकते हो। और इरेजिंग करने बाद आपको फोटो को राइटर पर क्लिक करके सेट करना होगा फोटो को, ठीक है। फोटो को अच्छी तरह से यहाँ से अच्छे से सेट करना होगा। उसके बाद आपको जाना है ब्यूटीफाई में, उसके बाद आपको यहाँ से इफेक्ट्स में चले जाता हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट्स डाल लेता हूँ कैसा लगता है फोटो। और उसके बाद आपको जाना है आर्टिस्ट में, कलर्स में आ जाना है। कलर्स में आने के बाद सैचुरेशन यूज़ करना है, सैचुरेशन इफेक्ट को 70% रखिएगा, और यहाँ से फेस से हैंड से जो भी पार्ट नहीं चाहिए सैचुरेशन इफेक्ट आपको उसे आपको इरेजिंग कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, और यहाँ से आप भी इरेजिंग कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। और कुछ टेक्स्ट में डालूँगा, ठीक है, स्टे क्लासी टेक्स्ट और वो लास्ट में डालूँगा। और यहाँ से मैं समझा देता हूँ कैसे आपको एडिटिंग को करना है, कौन सी इफेक्ट अच्छी लगेगी इस फोटो में मैं आपको बता ही देता हूँ। और उसके बाद आपको जाना है ब्यूटीफाई में, थोड़ा सा आपको डालना है ब्यूटीफाई इफेक्ट को, ठीक है। ब्यूटीफाई में आने के बाद आपको यूज़ करना है फेस फिक्स, ठीक है, इस वाले पे नहीं, फेस फिक्स यूज़ करिएगा। और यहाँ से फेस में मैं डाल लेता हूँ इस फेस फिक्स को 30% तक इसकी रखता हूँ फिक्स, और कुछ इस तरह से 15% में ला सकते हो, जिस भी परसेंट तक आपकी अच्छी लगे फोटो उसी तरह की आप रख सकते हो, और कुछ इस तरह से मैं। और दोस्तों उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आने के बाद आपको यूज़ करना है आर्टिस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, और उसके बाद यूज़ करना है ऑयल पेंट इफेक्ट। दोस्तों ऑयल पेंट इफेक्ट बहुत ही अच्छी इफेक्ट है, आप यूज़ करो जिस टाइप की एडिटिंग करते हो एडिटिंग में, जब भी आपको ऑयल पेंट इफेक्ट चाहिए यूज़ करो, 70 से 60% तक रखो, और अमाउंट आपको जितने से अच्छे चाहिए 23% रखता हूँ, जितना मुझे अच्छा लगा अमाउंट उतना अमाउंट मैं डालता हूँ ऑयल पेंट इफेक्ट, और फोटो बहुत ही गजब की एडिटिंग हो जाती है। ऑयल पेंट इफेक्ट डाल लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको जाना है टूल्स में आने के बाद टूल्स को यूज़ करना है, और यहाँ से टूल्स में ब्राइटनेस को अराउंड 13% और हाईलाइट को मैं रखता हूँ 21, शैडो को मैं भी बढ़ा देता हूँ। दोस्तों ये काम करने से के फोटो बहुत ही अच्छी ग्लो आएगी, और इस तरह से बना लेना है, और बहुत ही गजब की सैचुरेशन को थोड़ा सा घटाना है, ठीक है, माइनस करना है सैचुरेशन को, और इन्वर्ट पर क्लिक करके और अपने फेस में डालना है इस इफेक्ट को। दोस्तों बहुत ही गजब की एडिटिंग होने वाला है, और कुछ इस टाइप से बनाना है फोटो को, और इस तरह से
देख सकते हो, हैंड में भी डाल सकते हो, इस ब्राइटनेस को बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी। और डालने के बाद आपको इस तरह से कुछ बना लेना है, और मैं डाल लेता हूँ और यहाँ से मैं फ़ोटो को सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद देख सकते हो किस तरह की एडिटिंग हुई है। और उसके बाद आपको जाना है आर फोटो में 2 PNG डालना है, जैसे कि आपको स्टे क्लासी एक टेक्स्ट PNG है और एक हेयर PNG है, जो जिसे आपकी फ़ोटो बहुत ही गजब की एडिटिंग हो जाएगी। और इस तरह की आप पोज देकर फ़ोटो उठाएंगे तो ये हेयर PNG आपको बहुत ही अच्छे से शूट करेगा, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको एडिटिंग कर लीजिएगा। और यहाँ से मैं कैपेसिटी को भी हाई कर लेता हूँ, और जिस तरह से मुझे अच्छा लगे। और थोड़ा सा एडिटिंग करना है, ठीक है। एडिटिंग करने से जैसे कि फिट होना चाहिए हेयर PNG, उसी तरह से आप रखिएगा और यहाँ से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टे क्लासिक को थोड़ा सा ऊपर ला के सेट कर लीजिएगा। और ये एडिटिंग बहुत ही गजब की हुई है। और ये एडिटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। और यहाँ से मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छे से आप एडिटिंग को समझ लीजिएगा, और आशा करता हूँ आप इस एडिटिंग को समझ लिए होंगे। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।